तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में सबसे पहले अगर आपको ये वर्ड यूज करता हुआ दिखाई दिया न्यूमेरिकल, सेकेंड्स पेंडुलम, व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम? तो सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी 1 सेकेंड नहीं होता, 2 सेकेंड होता है। तो सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 2 सेकेंड, याद रखना है ये। और ऐसे अगर ये गिवन हो कि अ पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड, तो इसका टाइम यानी कि ये सेकेंड पेंडुलम है। अगर ये वर्ड आ जाए अ पेंडुलम टिक्स 1 सेकेंड, तो ये सेकेंड पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। तो बस यही ट्रिक है इसमें, कह रहे लेंथ निकाल दो, अगर ये टिक्स 1 सेकेंड है तो ये सेकेंड पेंडुलम है, तो कैपिटल टी की जगह 2। G9.8 है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें आता है सिंपल पेंडुलम का, सॉल्व करके एल कैन बी कैलकुलेटेड, सिंपल है। ऐसी सेकेंड पेंडुलम की न्यूमेरिकल की वैल्यू देखो इसमें क्या है, सेकेंड पेंडुलम इज टेकन इन अ कैरेज, एक कैरेज के अंदर सेकेंड पेंडुलम को टांग दिया। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या निकालना है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड को बोलते हैं। जब कैरेज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाती है, नीचे आती है और हॉरिजॉन्टल जाती है, तो 3 केस हैं। रूल नंबर 1, पहले केस में सेकेंड पेंडुलम का कैपिटल टी क्या होता है, 2 सेकेंड। तो आप इस फॉर्मूले में कैपिटल टी 2 सेकेंड पुट करके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसकी लेंथ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब आप एक कैरेज को ऊपर लेके जा रहे हैं विद एक्सेलेरेशन ऑफ 4, तो लिफ्ट वाला केस याद करें, लिफ्ट जब ऊपर जाती है विद सम एक्सेलेरेशन, तो जहां जहां जी दिखता है वहां वहां लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था, क्या करना होता है, जी प्लस ए। तो लिफ्ट की जो एक्सेलेरेशन अगर ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी प्लस ए। तो एल आपको पता है, जी आपको पता है, एक्सेलेरेशन इसमें 4, आंसर। दूसरे केस में जब लिफ्ट कहाँ आती है, नीचे आती है, जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो फॉर्मूले में जी की जगह जी माइनस है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, अगर लिफ्ट कहाँ जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो जैसे सपोज करो ये आपकी कोई लिफ्ट या कोई भी कैरेज है, एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है, तो पहले पेंडुलम ऐसा था पर अब ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो पीछे ए एक्ट करेगा और एक एक्सेलेरेशन कहां एक्ट करेगी, नीचे, ठीक है। तो नेट एक्सेलेरेशन इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, वेक्टर सम लगाएं, तो वेक्टर सम से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, नई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ एल बाय जी डैश, अब जी डैश क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करो, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचने आपने इस केस में, ठीक है यहां तक। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया, और जैसे भी है वैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी कैलकुलेटेड। मैंने बना रखा है डायग्राम, वैसे अगर ए इधर है तो सूडो फोर्स से ए इधर है, तो ये नेट एक्सेलेरेशन है। इस क्वेश्चन को देखना प्लीज,
देखो अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 0.2 मीटर डेवलप्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. एक बात बताओ, एक स्प्रिंग को 25 न्यूटन से खींचा और वो कितना कंप्रेस हो गया, दबाया, कितना कंप्रेस हो गया, 0.2. तो इस स्टेटमेंट से ही पता लगता है, एफ पता है, कंप्रेशन पता है, तो एफ इज इक्वल टू के वाई वर्क एनर्जी पार. तो यहाँ से स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज फोर्स अपॉन कंप्रेशन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकाल लो. तो पहली स्टेटमेंट गिवन ही इसलिए है, अब क्या निकाल सके, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. बॉडी जिसका मास 5 kg है प्लेस्ड ओवर इट, स्प्रिंग के ऊपर आपने 5 kg का भार लगा दिया, फोर्स कॉन्स्टेंट निकाल लो स्प्रिंग का. फोर्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकल गया ये पार्ट. क्या निकालना है, डिप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. जब आपने एक स्प्रिंग के ऊपर 5 kg का भार लगा दिया तो वो दबेगा, कितना दबेगा ये बताओ. तो सेकेंड केस में फिर से एफ इज इक्वल टू के वाई, वाई इज इक्वल टू एफ बाई के. तो आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल ही लिया, कितना दबेगा, जितना भार है, कितना भार है 5 kg का. 5 kg का वेट क्या होता है, 5g. जी अगर 10 है तो कितना, 50. तो आंसर एक और आ गया, सेकेंड आंसर. थर्ड, टाइम पीरियड निकालो जब 5 kg का वेट लगाया. 5 kg से क्या हुआ, स्प्रिंग ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा. तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k. m पता है, k पता है आंसर क्या है. पॉइंट क्लियर है, तीनों पार्ट्स आ गए. नेक्स्ट, क्वेश्चन है 0.2 kg ऑफ मास हैंग्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग. एक स्प्रिंग के एंड में पॉइंट कितने, कितने केजी का मास टांग दिया स्प्रिंग के एंड में, पॉइंट ध्यान से कितने केजी का मास, 0.2 kg. अब वो कह रहे व्हेन 0.02 kg मोर मास इज एडेड एट द एंड ऑफ द. 0.2 तो पहले डाल रखा है, 0.02 और डाल दिया, तो दो मास हो गए, 0.2 और 0.02. तो स्प्रिंग उसी टाइम 7 cm नीचे खिसक गया, एक्सपैंड हो गया. 0.2 से तो हुआ होगा, 0.02 से 7 हो गया. ये स्टेटमेंट आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के काम आएगी. तो कैसे, mg इज इक्वल टू kx में k क्या है, mg बाय x. अब आपको मास कितना गिवन है, 0.02 से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 7 cm. तो मास आपने 0.2 नहीं पुट करना है यहां पर, 0.02 करना है, क्योंकि ये एक्सपेंशन जो है वो 0.02 की है. तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, के. कोई डाउट इसमें, तो ये स्टेटमेंट के देने के लिए. अब वो क्या कह रहा है, 0.02 हटा लो. भी डाला क्यों था, इसलिए डाला था ताकि आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सके. अब कह रहा है 0.02 हटा लो, अब बचा कितना, 0.2. अब वो कह रहा है ऐसे केस में टाइम पीरियड बोलो क्या होगा. अब टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का तो आपको आता ही है,
2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। अब मास क्या पुट करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू, और के हमने फर्स्ट पार्ट से निकाल दिया आंसर। तो 0.02 का रोल सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए था बस। Impulsive force gives an initial velocity of -1 to a mass at its unstretched position. तो ये एक spring है, unstretched position पे है, ये दबा नहीं और ये compress नहीं, ये expanded नहीं. और मैंने velocity कितनी दी यहाँ पर? -1 क्यों लिखा? 1 क्यों नहीं लिखा? 1 का मतलब क्या है? Right की left. Right हम positive मान, right. और -1 का मतलब? तो यानी कि मैंने इसे यहां ये -1 वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? कंप्रेस. 1 का मतलब राइट, -1 का मतलब लेफ्ट. ठीक हो गया, तो ये कंप्रेस होगा. कह रहे जब ये कंप्रेस होगा इसका एम्पलीट्यूड बोलो क्या होगा, कितना मैक्सिमम तब जाएगा ये. अब इसको करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका, याद करो थ्योरी, ये पेंडुलम है. पेंडुलम एक्सट्रीम पोजिशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. नीचे आते 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 वेलोसिटी बढ़ती 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 मीन पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. एक्सट्रीम पे
ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसे ही है, स्प्रिंग अगर एक्सट्रीम पे है बिल्कुल तो वेलोसिटी जीरो, मीन पे आता आता है तब बहुत तेजी से मास मूव करेगा मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर जीरो, ठीक हो गया। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है, एट मीन, और हमने वेलोसिटी दी भी कहां, एट मीन, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। मीन पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा मैक्स, ए मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, तो ये गिवन है, गिवन है, ओमेगा हम निकाल देते हैं तो ए आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऐसे आएगा। अब इसमें ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, किया था हमने, के पता है, मास पता है, ओमेगा आ गया, ओमेगा को यहां पुट करके, वी मैक्स को पुट करके ए आ गया। ये पहला तरीका है, काफी लोगों को ये याद नहीं रहता कि ये जो वेलोसिटी है मीन पर मैक्सिमम है। वैसे हम 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे याद हो जाएगा, पर चलो नहीं याद आया कोई बात नहीं। इस पॉइंट पर आपने इसको कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक दी, काइनेटिक दी, तो स्प्रिंग की एनर्जी तो थी नहीं इसमें, तो जब ये कंप्रेस कर गया स्प्रिंग को तो इसके पास स्प्रिंग एनर्जी हो गई या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दूं इसमें, ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने ये एनर्जी क्या की थी, टोटल एनर्जी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है यहां पर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। तो अगर आप इन्हें इक्वेट कर दें तो हाफ से हाफ कैंसल, एम से एम कैंसल, तो फिर से आंसर तो वही आएगा, वी इज इक्वल टू, इससे बेटर ऐसे याद कर लो यार, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ए ओमेगा, ठीक है यहां तक, तो ये रिजल्ट है। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछ रहे, गिव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स की इक्वेशन पूछ रहे क्या बनेगी टाइम के साथ। अब एक्स की इक्वेशन कॉस में बनेगी, साइन में बनेगी, माइनस साइन की माइनस कॉस, कैसे डिसाइड होगा, बोलो किसमें बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कब लगती है, जब कोई भी बॉडी कहां जाती है, टूवर्ड्स राइट, पर ये कहां आ रही है, मीन पोजीशन से लेफ्ट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस साइन, माइनस ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है, राइट जाने का मतलब ए साइन ओमेगा टी, लेफ्ट आने का मतलब माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि ये हमने क्यों लिया, एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल लिया, ओमेगा भी हमने निकाल दिया, इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक। तो ये फर्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था ये देखने के लिए कि प्लस है कि माइनस है, साइन है या कॉस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, टू मासेस M1 एंड M2, दो मासेस हैं, स्प्रिंग के नीचे टांग दिए, देखो M1 M2 टांग दिए, M2 ऊपर M1 नीचे, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दिया K, चलो दोनों मासेस स्प्रिंग कांस्टेंट K, तीनों चीजें दे दी। व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, आराम कर रहे थे बिल्कुल इक्विलिब्रियम, ना ऊपर ना नीचे, जेंटली मैंने क्या किया, M1 को हटा दिया, M2 को पता नहीं लगा, M1 को हटा दिया, M1 जैसे ही हटा M2 कहां जाएगा, ऊपर, स्प्रिंग कहां जाएगा, ऊपर, भार कम हो गया ना, भार कम होगा, स्प्रिंग ऊपर, कम कंप्रेस होगा, पहले ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, अब थोड़ा कम कंप्रेस होगा, पहले M1 M2 कंप्रेशन शो कर रहा है, अब कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ M2 का कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो आपको यह निकालना है कि यह जब ऊपर गया तो एम्पलीट्यूड कितना कवर किया, इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, ऊपर तो जाएगा ब्लॉक,
कितना ऊपर गया ये क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये मान लो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, जब दोनों मासेज आपने लगाए थे तो ये कितना एक्सपैंड हो गया था वाई, और जब सिर्फ और सिर्फ एक मास रह जाएगा कितना एम टू, तो ये कितना कंप्रेस हो जाएगा सिर्फ वाई डैश, तो यहां पे आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका एम्पलीट्यूड है, ऊपर जाने की डिस्प्लेसमेंट होगी, तो कैसे आएगी वाई माइनस वाई डैश। तो काम करते हैं एम वन एम टू के साथ डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंशन निकाल लेते हैं स्प्रिंग की, अकेले M2 के साथ एक्सपेंशन निकाल लेते हैं स्प्रिंग की, फिर दोनों एक्सपेंशन को माइनस कर लेते हैं। तो ये देखो पहले फर्स्ट केस में टोटल फोर्स M1 plus M2 into G is equal to KY, यहां से Y आ गया। दूसरे केस में सिर्फ M2G ने एक्सपेंशन प्रोड्यूस की, M2G by K Y dash आ गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों को माइनस कर दें, Y में से Y dash, माइनस करेंगे तो ये M2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड, जो कि किसने प्रोड्यूस किया M1 ने। तो M1 पता है, G पता है और K भी पता है, सॉल्व करके एम्पलीट्यूड आ गया। और ऐसे वो पूछ रहा है इस केस में ये बताओ कि जब M नीचे का मास M1 तो हट गया, तो ये बताओ कि इस केस में जब M1 हट गया तो क्या बचा सिर्फ M2, और M2 कितना है 0.5, तो फिर ये इसका टाइम पीरियड या ओमेगा क्या होगा। ओमेगा में K तो हमें पता है लेकिन मास M2 का यूज करना, क्योंकि M1 तो हटा दिया तो बचा क्या M2, तो M2 का मास यूज करके वो ओमेगा क्या है ये पूछ रहा है, तो दूसरा आंसर भी आ गया। तो क्या लॉजिक लगेगा समझ में आ रहा है इस केस में, स्प्रिंग मास सिस्टम एनसीईआरटी में और पेंडुलम ज्यादा आते हैं, दो ही तो केस हैं इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ऑब्जेक्टिव में बहुत काम भी आता है और एनसीईआरटी में भी आता है। रूल नंबर वन, ये दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है पैरेलल, ये दो किसमें कनेक्टेड है सीरीज। तो याद रखना जब दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो वर्क पर एनर्जी में किया था क्या कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है K1 plus K2, तो 2K, K plus K, 2K, और ऐसी जब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सॉरी सीरीज में है तो पैरेलल के अंदर तो फॉर्मूला हमने किया था क्या K1 plus K2, और सीरीज के अंदर क्या होता है K1 into K2 by K1 plus K2, तो K और K तो बराबर ही है, तो यहां से सीरीज और पैरेलल का K आ जाएगा इसमें। तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k। इस केस में सीरीज है तो k1 k2 बाय k1 प्लस k2 लगाओगे तो k1 k2 को k पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा k बाय 2, और ऐसे ये क्या है सीरीज की पैरेलल, देखने में ये सीरीज लगता है ये पैरेलल। पैरेलल क्यों है बताता हूं, सीरीज में क्या होता है एक स्प्रिंग के इमीडिएटली बाद एक स्प्रिंग आता है, बीच में मास नहीं आता। ये पैरेलल क्यों है इसके दो रीजन दूंगा मैं आपको, एक मैथमेटिकल एक वैसे बता देता हूं कि अगर ये मास है और आपको एक स्प्रिंग यहां कनेक्टेड है और एक यहां कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, ये लो ऐसे कनेक्टेड, ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, एक ही बात है। ये क्यों पैरेलल है, पहला रीजन कि आप एक काम करो इसको ना इसको अपने हाथ में पकड़ लो, इसको अपने हाथ में पकड़ो, इसको हवा में लटका दो, तो आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा, देख रहे हो ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें हो रहे हैं इन पैरेलल है ना, एक इधर एक इधर, तो हो गया ना पैरेलल, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वैसे मैथमेटिकली मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा, पर याद रखना डायग्राम देखते ही अगर स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है और स्प्रिंग के बीच में मास आ रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो के प्लस के क्या यूज करोगे 2K। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक बार देखो सीरीज पैरेलल का, इसमें एक ट्रे है 12 केजी की, ये ट्रे है 12 किलो की ट्रे है, मास नहीं है पहले केस में सिर्फ ट्रे है, तो पहले केस में मास बाद में रखा है इसमें, पहले सिर्फ अकेली ट्रे है 5 किलो की और दो स्प्रिंग है, किसमें कनेक्टेड है सीरीज की पैरेलल दिख रहे हैं, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है के एंड के, एसएचएम में है विद टाइम पीरियड ऑफ 1.5, मास नहीं रखा सिर्फ ट्रे ऑसिलेट कर रही है दो स्प्रिंग के साथ,
टाइम पीरियड कितना है 1.5। तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएं 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 2 के। अभी सिर्फ ट्रे ऑसिलेट कर रही है तो ट्रे का मास कितना है 12 और टाइम पीरियड कितना है 1.5। तो ये इसलिए गिवन है ताकि आप सॉल्व करके क्या निकाल सकें, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो एक पार्ट हो गया, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आ गया। अब वो कह रहा है कि जब मैं इस ट्रे पे एक ब्लॉक को रखता हूं जिसका मास m है, अब ट्रे भी है और ट्रे के ऊपर ब्लॉक भी, अब वो ऑसिलेट करेगा। तो पूछ रहे टाइम पीरियड, कह रहे 3 सेकंड हो गया, तो मास ऑफ द ब्लॉक क्या है। तो केस नंबर 2 में टाइम पीरियड के फॉर्मूले में दोनों का मास आएगा, ट्रे का मास 12 भी आएगा और ब्लॉक का मास भी आएगा, और दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो 2k आएगा और टाइम पीरियड 3 गिवन है। सॉल्व करके क्या आएगा, मास आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, फॉर्मूला तो वही है, t is equal to 2 pi under root of m by k। ठीक है यहां तक देखते ही पता लग रहा है। कह रहा टाइम पीरियड निकालो, बोलो ये स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल। तो बोलो आंसर क्या होगा, t is equal to 2 pi under root of m divided by k और k पैरेलल में तो 2k। डन, प्रूफ इसमें दिया हुआ है। मान लो कि अगर आपने इसको लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया बाय x और ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया बाय x, तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स दोनों स्प्रिंग की कितनी, माइनस 2kx, और ब्लॉक का मास m है तो फोर्स क्या होगी m में, तो एक्सलेशन आ गई। SHM के साथ कंपेयर किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा 2 पाई बाय टी से टाइम पीरियड आ गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो याद ही करवा दिया दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आंसर वैसे ही 2k आ गया। प्रूफ करना NCERT में आ जाए तो ये प्रूफ है। ठीक है यहां तक, फिर देखो
क्वेश्चन को करने का पहला एक लाइन का शॉर्टकट, अब शॉर्टकट यूज करेंगे क्या, कि दोनों स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है बोलो, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो क्या होगा, के वन के टू बाई के वन प्लस के टू, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के सीरीज, सिंपल। तो आप यहां पर एक काम करना, टू पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या पुट करोगे, के वन इंटू के टू बाई के वन प्लस, और टाइम पीरियड जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, हो जाएगा प्रूफ ये, यहां सिंप्लीफाई करो, उल्टा कर दो आंसर, सबसे आसान तरीका ये है। एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा कहता है प्रूफ भी कर दो और डिटेल में, वो कह रहा है जब आप इसको एफ फोर से खींचोगे इस ब्लॉक को, बॉल को, तो दोनों स्प्रिंग एक्सपैंड होंगे, फोर्स दोनों स्प्रिंग में सेम लगेगी, ऐसा क्यों, फोर्स दोनों स्प्रिंग में सेम क्यों लगेगी, फोर्स जब आप एफ लगाओगे तो दोनों स्प्रिंग में सेम क्यों लगेगी, डिफरेंट डिफरेंट क्यों नहीं है, स्प्रिंग का मास नहीं है, जैसे जब धागे का मास नहीं होता टेंशन रिमेंस, तो इसलिए फोर्स सेम रहेगी, लेकिन एक्सपेंशन दोनों स्प्रिंग की डिफरेंट होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि एक के वन है और एक के टू, एक हार्ड स्प्रिंग हो सकता है और एक सॉफ्ट स्प्रिंग हो सकता है, तो इसीलिए पहली क्वेश्चन एफ दोनों में सेम, तो यहां से एक्स वन आ गया, एक्स वन इज माइनस एफ बाई के वन, एक्स टू आ गया माइनस एफ बाई के टू, जब दोनों स्प्रिंग को इकट्ठे खींचोगे तो नेट एक्सपेंशन क्या होगी, एक्स इज एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू पता है, तो सॉल्व करके यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेना, बस कंपेयर कर लेना ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी से आंसर, इतना करने की जरूरत क्या है, सीधा बोल दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है इन सीरीज, तो एक लाइन में आंसर आएगा, वो ज्यादा बेटर नहीं है, सीरीज लगा लेना, जरूरत ही नहीं है करने की, ठीक है। ठीक